तो देखते आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचे। और आज की क्लास के अंदर हम बनाने जा रहे हैं 3 इंस्टाग्राम पोस्ट, और ये तीनों इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत क्विकली होंगी, और ये तीनों की तीनों होंगी वॉचेस के बैनर के ऊपर। तो अब ये पोस्ट बनेगी कैसे, ठीक है? सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक भी करा करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें, और अगर कोई एरर आता है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने करना क्या, करना कराना कुछ नहीं है, फाइल पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और 1000 विड्थ लेनी है और 1000 हाइट लेनी है, 72 रेजोल्यूशन लेनी है, RGB कलर लेना है, और करना है क्रिएट। और उसके बाद जनाब करना है क्या है कि यहाँ से आपने ब्लैक कलर लेना है, बिल्कुल प्योर ब्लैक, यहाँ से क्लियर लेनी है, ऑल्टर बैक स्पेस दबाना है ताकि इस पर ब्लैक कलर आ जाए। उसके बाद फाइल पे आना है, आपने करना है ओपन, और यहाँ से लेना है 3 नंबर की JPG, ओपन करा इसको, चाहे डबल क्लिक कर दें चाहे इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको उठा के यहाँ मूव कराया, और मूव करा के यहाँ रख दिया, ठीक है, और इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट करा, कंट्रोल टी करा, ऑल्टर के साथ इसको या शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको बड़ा करा, अब पता नहीं आप लोग कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो उसको यहाँ रखा, उसके बाद आपने इसको करना है मास्क, ठीक है, इसको मास्क करा, यहाँ से आपने लिया ब्रश टूल, ठीक है, इसको हार्डनेस 0 रखनी, थाइस थोड़ा सा बढ़ा लिया, ओपेसिटी 100, फ्लो 100, हल्का सा इसको यहाँ से रब करना है आपने, ठीक है जी, हल्का सा साइडों से रब करना है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा इसी JPG को लाके यहाँ रखें, कंट्रोल टी से बड़ा करें, और इसको इसके नीचे ले जाएं ऐसे, ठीक है, इस लेयर को लॉक कर दीजिएगा, इस वाली लेयर को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है, नीचे लेयर को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ रखा, ठीक है, ऐसे इसकी डुप्लीकेट करिए, एक इस डुप्लीकेट को उठा के यहाँ रखा आपने, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या करना है गौर से देखिएगा, फाइल ओपन, इस वॉच को उठाया, ओपन करा, इसको उठा के यहाँ रखा ऐसे, इसको ऊपर ले जाइएगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, मैं बता चुका हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, एडिट पाए फ्री ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल टी, ऑल्टर के साथ या शिफ्ट ऑल्टर के साथ इसको छोटा कर, इसको यहाँ रखा, कंट्रोल टी दोबारा दबा के थोड़ा सा और छोटा कर लिया, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ओके, यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद हम यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, इस वॉच के का ब्रांड कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने वाइट टेक्स्ट लिया और वाइट कर दें इसको यहाँ से, बिल्कुल प्योर वाइट, और यहाँ पे फॉन्ट का नाम है रोमेलियो, मैंने रोमेलियो ही ले लिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लें रोमेलियो को, और यही फॉन्ट ले लें आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ क्लिक करा, और यही ले लें फॉन्ट का नाम, यही वॉच का नाम भी हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ रखें आप। अच्छा जी, इस फॉन्ट की ख़ास बात है, अगर आप इस ओ को सिलेक्ट करते हैं और कैप्स लॉक दबा के रखते हैं और ओ लिखते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया। तो अगर मैं इसको कैपिटल ही लिख लूँ, लियो रोमेलियो, तो ये अच्छा लुक देगा, ठीक है जी, तो मैंने इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है, ये फॉन्ट हो गया। अब हम इसकी थोड़ी सी हेडिंग लिखेंगे, और यहीं से वाइट टेक्स्ट लेके क्लिक करूँगा, और यहाँ से फॉन्ट ले लूँगा मंटो रेगुलर, पहले यहाँ देखूँगा ये बोल्ड तो नहीं हो, हाँ ये बोल्ड हो, इस बोल्ड हटा दें इसको, और इसको कर दें लाइट, फॉन्ट छोटा कर दें इसका, 48 कर दें, और पे टेक्स्ट लिख दें स्मार्ट वॉच डायल डिज़ाइन, थोड़ा सा यहाँ खिसकाइएगा इसको, इस पर क्लिक करके देखें, ये भी बोल्ड है, इसको थोड़ा सा थिक थिन कर दें क्लिक करके दोबारा, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है जी, इसको सेंट्रलाइज कर लें, ओके जी। तो ये आपका खूब, थोड़ा सा नीचे करें, खूबसूरत सा एक अदद आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट तैयार है। ये था पहला पार्ट, इसी के अंदर हम दूसरी वॉच का करते हैं, तो देखें वो किस तरह होता है। बट फिर मैं कहूँगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारे बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक ज़रूर कीजिए, ठीक है जी। तो हम अब दूसरा पोस्टर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सेंट्रलाइज कर लें, ओके जी। दूसरा पोस्टर स्टार्ट होता है,
ओके जी, तो उसके लिए सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू, यहाँ से लेंगे 1000 1000, अगेन रेजोल्यूशन सेम क्रिएट करें और इसको बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे आते हैं, फाइल पे आते हैं, ओपन, और यहाँ से हम उठाते हैं बैकग्राउंड और इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे, सिंपल कंट्रोल टी, इसको बड़ा कर लीजिएगा और थोड़ा सा यहाँ रख दीजिएगा। ओके जी, फिर हम फिल्टर पे आते हैं, ब्लर यहाँ से कर देते हैं हल्का सा, सरफेस ब्लर, ठीक है, और को थोड़ा सा 5, इसको 2 कर दें और इसको कर दें आप 5, ठीक है जी। फाइल ओपन अगेन, यहाँ से वॉच उठाएंगे आप, इसको उठा के यहाँ रखेंगे आप ऐसे, राइट क्लिक कीजिएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी से इसको छोटा करेंगे आप, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लें इसको, जेड टूल के जरिए जूम टूल लीजिएगा और उसको जूम कर लीजिएगा और घड़ी को थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा कंट्रोल टी से, ठीक है। अब आप इसको देंगे मास्क, और मास्क देने के बाद इसकी कुछ चीज़ें आप यहाँ से रब करेंगे, ठीक है, देखें किस तरीके से। सबसे पहले तो इस पर क्लिक करके आप इसकी फिल ओपेसिटी कर दें 50, ठीक है, बल्कि 50 नहीं, ज़्यादा कर देते हैं हम, इसको कर दें 30, और करना पड़ेगा हम इसको 10 कर देते हैं, ठीक है जी, 10 काफ़ी है। अब हम लेंगे यहाँ से ब्रश टूल और थोड़ा सा साइज छोटा करेंगे इसका और इसको हल्का से यहाँ से रब करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा और कम करके देखते हैं हम इसको, 4 करके देखते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद 6 पे बात बन जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब हम इसको रब करते हैं यहाँ से, यहाँ से रब करा आपने, यहाँ से और इसको यहाँ से, और इसको हल्का सा यहाँ से रब करा, इसके डायल को हल्का सा यहाँ से रब करा, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से रब करा आपने थोड़ा सा, और अब इसको थोड़ा सा फिल बढ़ाते हैं, वाह ज़बरदस्त इफेक्ट आया, तो इसको थोड़ा सा और रब करते हैं ना यहाँ से, मुझे लगता है यहाँ से इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा हम और ज़्यादा मिटा के देखते हैं ऐसे, थोड़ा सा यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से मिटाएंगे हम, अंदाजे से मिटा रहा हूँ मैं वैसे, ठीक है, ओके, यहाँ से यूँ और थोड़ा सा और मिटाएं इसको आप और ऐसे, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसको जो है हल्का सा इसका यहाँ से मिटाएगा, इसको वाइट कीजिएगा, हल्का सा शेडो मिटाएगा, ठीक है ऐसे, और अब ऐसे एक काम करें, थोड़ा सा इसकी हार्डनेस बढ़ाइएगा ताकि फेक ना लगे, थोड़ा सा आप देखें हल्का सा इसको शेड देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर यहाँ से कम होगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से इसको भी हटा दें ऐसे करके, जहाँ गलत हो जाए वहाँ कंट्रोल जेड करना है आपने, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से कंट्रोल ज़ीरो करें, कंट्रोल माइनस से पीछे करें, बेहतरीन हो गया, मैंने कहा जी बेहतरीन। अब हम इस पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट क्या लिखेंगे, ओमेगा की वॉच है तो उसका एक फॉन्ट लिखते हैं हम, यहाँ से वाइट फॉन्ट लेंगे, टेक्स्ट लेंगे, क्लिक करेंगे और फॉन्ट लेंगे हम कास्टेलर, फॉन्ट है हमारा, ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं ओमेगा, ठीक है, इसको कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा छोटा कीजिएगा, इसको यहाँ रखेंगे आप, और यहाँ पे इसकी पंच लाइन या कुछ भी लिख देंगे फॉन्ट लेके, जस्ट लाइक स्वैग, एनी वेयर एनी टाइम, और फॉन्ट लेंगे अबंटो, माई फेवरेट फॉन्ट है वैसे अबंटो ये, इसको हम रेगुलर कर देते हैं और देख लेते हैं कि सब ओके है, और फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करें इसको, हर इस वर्ड का पहला वर्ड बड़ा कर दीजिए, करेक्टर बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है जी, इसको यहाँ रख दिया आपने, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए हम इस पर कंट्रोल क्लिक करके इसके सिलेक्शन लोड करेंगे, इसी पे ग्लेयर लेंगे, शिफ्ट F5 दबाएंगे और यहाँ से करेंगे कंटेंट 50% ग्रे और इसको कर देंगे ओवरले, यहाँ से लेंगे हम डॉज टूल और 50 डॉज नहीं, हम यहाँ से बर्न टूल लेंगे और एक्सपोजर 52 रखेंगे, ठीक है, और हल्का सा इस पर फेरेंगे,
तो देखें डार्क हो रहा है, भला से कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसके डायल पे कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे हल्का सा टचअप करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको लगता है ज़्यादा हो गया हो तो यहाँ से इरेजर टूल लेके, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ कुछ फ़र्क पड़ा है तो मैं इसको मिटाऊँगा, ठीक है। और यहाँ ज़्यादा हुआ है तो यहाँ से हल्का सा रब करूँगा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बेहतरीन सा दूसरा इंस्टाग्राम पोस्टर। अब हम बनाएंगे तीसरी पोस्ट, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको क्लोज कर दें, यहाँ से क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, और इसको रहने दें, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू और 1000 बाय 1000 का सेम पेज और आपने क्रिएट कर दिया एक्सप्रेस, ठीक है। फाइल पर आएँ, ओपन, यहाँ से इमेज उठा लीजिए आप, इस इमेज को उठा के रखें आप इधर, ठीक है। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी और ऑल्टर या शिफ्ट ऑल्टर के साथ जो आपका वर्जन है उसका साइज छोटा कीजिएगा, करा आपने इतना, ठीक है। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, कंट्रोल टी, कंट्रोल राइट फ्लिप, सॉरी कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको उठा के यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर में लाएंगे, इसको बंद कर देंगे, फाइल ओपन। उसके बाद ये वॉच पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे, इस वॉच को उठा के यहाँ लेके आएंगे और इसके सेंटर में रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल टी से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। अब करना है क्या है, बेहतरीन पार्ट, इस पर क्लिक करें, राइट वाले पे कंट्रोल आई कर दें और इस पर भी क्लिक करके कंट्रोल आई कर दें, ठीक है। इफेक्ट आ गया, एक खूबसूरत सा इन्वर्ट हो गया, ये कलर इन्वर्ट हुआ है कलर, और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इस वॉच का नाम दे देते हैं, एक वाइट कलर, अप एंड डाउन कर दें, क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें वॉग, और फॉन्ट भी हम यहाँ पे वॉग ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वॉग या पता नहीं क्या लिखा भाई, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा कर दिया आपने, ठीक है। और दोबारा टेक्स्ट टूल लेंगे आप, क्लिक करेंगे नीचे और टेक्स्ट लिख देंगे, फॉन्ट लेंगे अवंटो और इटैलिक कर दीजिएगा, साइज छोटा कर दीजिएगा इसका, थोड़ा सा बड़ा करें। यहाँ से अपर केस जो लिख, देख रहे हैं सब अपर केस में आ रहे हैं, पहले तो उसका बोल्ड हटाएं फिर अपर केस भी हटाएं आप, ठीक है। और इसको यहाँ रखते हैं, सिंपल सिंपल एंड फैशनेबल, फैशनेबल डिज़ाइन, सिंपल एंड फैशनेबल डिज़ाइन, ठीक है जी। ये तीन क्विक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट आपको बता दिए हैं वॉचेस के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली अपने दोस्तों का शेयर, लाइक करें और फेसबुक पे भी इसको शेयर करा करें, एंड काइंडली बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बेहतरीन चीज़ के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।